हाय गाइस, वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फेशियल केयर ऑन सेल्फ। आज फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक डैंड्रफ फ्री पैक। यानी इस पैक को लगाने से आपका हेयर में, स्कल्प में जो डैंड्रफ है वो रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा एक सिल्की बाउंसी हेयर। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत। ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स ही इसके लिए काफ़ी है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको बनाने के बाद इसको मैं अपने ऊपर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे से मेरा जो भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। और मैं इसके बाद भी फ्रेंड्स इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या लेना है। इसके लिए पहले तो मुझे लेना है मेथी दाने को। मेथी दाना फ्रेंड्स हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, ये डैंड्रफ को रिमूव करता है, उसके साथ ही साथ आपका हेयर को बाउंसी बनाता है। मेथी दाने को आपको रात भर भिगो के रखना है और सुबह उठ के इसको पीस लेना है। ये देखिए, ये पीसा हुआ मेथी दाना है, इसको मैंने रात भर भिगो के रखी थी और सुबह उठ के इसको मैंने पीस लिया है। अभी मैं इसके साथ लेमन ऐड करूँगी। लेमन भी फ्रेंड्स डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छा है और आपका हेयर को ये भी सिल्की शाइनी बनाता है। तो चलिए अभी मैं पैक को बना लेती हूँ। इसके लिए मैं 3 चम्मच मेथी दाने का पेस्ट ले रही हूँ। आप थोड़ा बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपका हेयर का लेंथ के नाप के आप लीजिए। पूरा हेयर में लगा देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो मैं सिर्फ स्कल्प में लगाने के लिए दिखा रही हूँ और मैं अपने स्कल्प पे लगा के भी दिखाऊंगी। ये हमें 3 से 4 चम्मच मेथी दाना का पेस्ट है और मैं 1/2 लेमन को इसमें निचोड़ के डाल लूँगी। तो देखिए अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 लेमन को। ये चम्मच से मापना ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही मैं पूरा इसको 1/2 लेमन ऐड कर रही हूँ। अभी इसको थोड़ा पानी से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसका एक थिक पेस्ट बनाइए और उसके बाद अपने हेयर में अप्लाई कीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स, इसको आप हफ्ते में 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से एक ही हफ्ते में, ये थोड़ा पानी मैं ऐड करूँगी, इसको यूज़ करने से एक ही हफ्ते में देखिएगा आपका जो डैंड्रफ परेशानी है वो फिनिश हो गया है, वो रहेगा नहीं। और इसको आपको कंटिन्यू 1 महीना करना ही है। आप कंटिन्यू 1 महीना करेंगे तो आपको रिटर्न डैंड्रफ आएगा भी नहीं। और इसको फ्रेंड्स आप हर महीना 3 से 4 दिन तो कर ही सकते हैं। तो रेगुलर रखेंगे तो आपका स्कल्प भी एकदम फ्रेश रहेगा, यानी डैंड्रफ आएगा नहीं और आपका हेयर सिल्की बाउंसी हो जाएगा। तो हर कोई को महीने में 3 बार ये हेयर पैक को अप्लाई करना ही चाहिए। तो देखिए इसका मिक्सिंग तो मेरा हो गया है, अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद और इसको अप्लाई करने के बाद आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर 1 लाइक दीजिए और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी इंथ्रू मिलेगा नया नया वीडियो लाने में। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा पैक, अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी। इसको अप्लाई करने के बाद आपको अपने स्कल्प पे लगा के इसको 1 घंटा रख देना है। फ्रेंड्स, मैं ये अपने स्कल्प में लगा के दिखा रही हूँ, आप हेयर पे भी लगा सकते हैं तो आपका हेयर में एक शाइनिंग आएगा। और फिर इसको लगाने के बाद 1 घंटे बाद आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू से इसको अच्छे से धो लेना है। ये बहुत ही स्लीपी है तो धोने में टाइम लगता है, तो इसको आपको अच्छे से धो के इसको एकदम हेयर से निकाल देना है। ये मैंने लगा लिया है, अभी मैं इसको रख दूँगी 1 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स इसको और मैं धो के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको 1 घंटा रखना है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।